नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आपके सामने हाजिर हूं आज एक नए वीडियो के साथ में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, मानव अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी यानी जो अंदर स्थित हैं, कुछ ग्रंथियां हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम कौन कौन सी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। सेकेंड जो ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। थर्ड जो ग्लैंड रहेगी हमारी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। फोर्थ जो रहेगी दैट इज थायराइड ग्लैंड, थायराइड। फिफ्थ इज पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद नंबर सिक्स पे हम डिस्कस करेंगे पैराथायराइड के बाद एड्रिनल ग्लैंड। नंबर सेवन पे डिस्कस करेंगे हम टेस्टिस एंड नंबर एट पे हम डिस्कस करेंगे ओवेरीज। तो हम ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो हमारी बॉडी में अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, टेस्टिस एंड ओवेरीज। आठ प्रकार के कुल अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों की लोकेशन क्या रहेगी, ये मानव शरीर में कहां पर उपस्थित होंगे, इनकी आकृति कैसी होगी और इनका जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, उन सब के बारे में हम एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो है हमारा फर्स्ट जो ग्लैंड रहेगी हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है जो है सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। यानी ये मास्टर से भी सुपर है, जो मास्टर ग्लैंड होगी जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे उससे भी ये सुपर है। अब इसकी जो लोकेशन है उसकी हम बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी में कहां पर होती है, ये रहेगी ह्यूमन ब्रेन में। ह्यूमन ब्रेन यानी जो मानव मस्तिष्क है उसमें ये प्रेजेंट होगी। इसकी जो शेप है उसकी हम बात करें तो शेप रहेगी इसकी आलमोंड जैसी शेप होती है, यानी बादाम के आकार की ये, बादाम के आकार की ये ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा फंक्शन, ये क्या क्या फंक्शन, इसके कार्य क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फंक्शन जो है इसके वो होते हैं वॉलेंटरी, वॉलेंटरी जो एक्शन रहेंगे उन सब को ये परफॉर्म करती है। वॉलेंटरी एक्शन का मतलब है जो ऐच्छिक अभिक्रियाएं हैं, ऐच्छिक जो हमारी बॉडी में जो ऐच्छिक कार्य होते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, उन सब को ये कंट्रोल करता है जिसको हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड बोलते हैं। सबसे पहला जो इसका कार्य रहेगा उसकी हम बात करें तो जो हमें हंगर महसूस होता है, भूख जो महसूस होती है, अब हमारे कंट्रोल में है कि हम खाना खाएं या ना खाएं, फास्ट भी रखते हैं। थिस्ट यानी जो प्यास है उसको, प्यास को, भूख जो है उसको कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है। उसके बाद में स्लीप यानी जो निद्रा है, निद्रा को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद में थर्ड हम बात करें तो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करता है, जो इसका मुख्य कार्य रहेगा वो रहता है बॉडी टेम्परेचर, तापमान के नियंत्रण को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं हम सुपर मास्टर ग्लैंड। लोकेशन रहेगी ह्यूमन ब्रेन में,
शेप जो है वो आलमंड यानी बादाम के आकार की है। फंक्शन जो रहेगा इसका वॉलेंटरी एक्शन यानी ऐच्छिक अभिक्रियाएं, हमारी जो इच्छा के अनुसार होती हैं उन सभी अभिक्रियाओं को ये परफॉर्म करता है। उसके बाद में हम सेकेंड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, वो रहेगा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे अभी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मानव में सबसे छोटी ग्रंथि है जिसका वजन रहता है 0.5 ग्राम ओनली, सिर्फ आधा ग्राम इसका वजन है, सबसे छोटी भी है और इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, यानी ये हमारी बॉडी में और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का वर्क करता है। तो पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड, इसकी जो लोकेशन है वो भी कहां रहेगी, लोकेशन की हम बात करें तो ये भी ब्रेन के लोअर पार्ट में, यानी जो लोअर पार्ट रहेगा ब्रेन का, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन इसकी लोकेशन रहती है। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल छोटी सी, यानी छोटी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, तो एक राउंडेड शेप रहेगी बिल्कुल छोटी सी। उसके बाद में इसके फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन रहेंगे। सबसे पहला जो हार्मोन है जो इस ग्लैंड से सेक्रेट किया जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी मानव वृद्धि हार्मोन, मानव में जो वृद्धि होती है वो हार्मोन यहीं से सेक्रेट होता है कि मानव जो है, मनुष्य जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो वो डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पे, और ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहां दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो वो ओवर सेक्रेशन, ओवर सेक्रेशन ऑफ HGH, और एक होगा लेस सेक्रेशन ऑफ OVERGH। यदि ये हार्मोन किसी भी ह्यूमन में ज्यादा सेक्रेट होता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, उसको हो जाएगा जिगांटिज्म। जिगांटिज्म हो सकता है उसको, जिगांटिज्म का मतलब होता है लंबकाय, यानी उसकी जो बॉडी है वो लंबकाय हो जाएगी, उसका शरीर इतना लंबा हो जाएगा कि उसको देख करके ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि नॉर्मल ग्रोथ नहीं हुई है उस बच्चे की या उस मनुष्य की, उसकी ग्रोथ कुछ ज्यादा हुई है, ठीक है, नॉर्मल से भी ज्यादा। कुछ लोग 7 फीट हाइट को भी गेन कर लेते हैं, 6.5 6.7 हाइट जिनकी होती है कम उम्र में भी, जबकि उनके पेरेंट्स इतने लंबे नहीं हैं, इसका मतलब उसको जिगेंटिज्म हुआ है। उसके बाद यदि कम सेक्रेट होगा तो क्या हो सकता है, उसको हम बोलेंगे ड्वार्फनस। ड्वार्फनस यानी बोनापन, बोनापन जो है वो वहां उत्पन्न हो सकता है, वो बोना रहेगा, उसकी हाइट जो है वो कम होगी। तो मास्टर ग्लैंड का जो फर्स्ट हार्मोन है जो हमने डिस्कस किया HGH जो था, मानव वृद्धि हार्मोन, उसके बाद हम सेकेंड जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड ही सेक्रेट करता है उसको हम डिस्कस करते हैं, वो रहेगा TSH जो हार्मोन है वो क्या होता है उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सेकेंड हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज TSH। TSH मीन्स थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। थायराइड जो ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में जो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है उसको स्टिम्युलेट कौन करता है,
उसको इस हार्मोन यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, उस थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रेरणा की बात हम करें, भी यहां से इसको एक स्टिमुलेट मिलता है, स्टिमुलेशन होता है, जिस वजह से ये थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है। यानी इसकी जो ग्रोथ होगी, इसका जो स्टिमुलेशन होगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इसको कंट्रोल करता है। तो इसीलिए बोलते हैं TSH जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। उसके बाद ही जो नेक्स्ट हार्मोन हम डिस्कस करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होगा वो रहेगा, ये वाला था सेकेंड हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट कर रहा है। थर्ड हार्मोन जो है उसको बोलते हैं ACTH, ACTH यानी एड्रिनल एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रॉफिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करती है वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है? एड्रिनल ग्लैंड को। मानव जो अधिवृक्क होते हैं यानी जो किडनी होती है उस किडनी पर दो ग्लैंड हैं जिनको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेट करती है, जो हार्मोन ये सेक्रेट करती है उसको बोलते हैं एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन सेक्रेट होगा उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है। उसके बाद में फोर्थ जो हार्मोन रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट कर रहा है वो फोर्थ हार्मोन क्या रहेगा? नंबर फोर होगा GDH, गैनेडो ट्रॉफिक हार्मोन। गैनेडो ट्रॉफिक हार्मोन जो है वो हम डिस्कस करेंगे अब। गैनेडो ट्रॉफिक हार्मोन जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, ये दो तरह से सेक्रेट होगा, यानी इसके टू टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे इसमें? फर्स्ट जो रहेगा दैट इज FSH, यानी इसका जो फर्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं FSH। FSH का मतलब हुआ फोलिक स्टिम्युलेटिंग, फोलिक स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, यानी जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड वो फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करती है। अब इसकी जो फंक्शन है उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। फॉलिक जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो मेल में और फीमेल में अलग अलग वर्क करता है। मेल और फीमेल दोनों का डिस्कस कर लेते हैं हम वन बाय वन। इन मेल मेल में स्पर्म होते हैं, स्पम्स। स्पम्स क्या होते हैं? यानी स्पम्स को बोल सकते हैं हम सेक्स सेल्स यानी लिंग जो निर्धारण करती हैं, लिंग कोशिकाएं जो हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? लिंग कोशिका जो है सेक्स हार्मोन जो होगा उसको कंट्रोल कर रहा है FSH। और FSH कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। और फीमेल्स में जो होगा जिसको बोलते हैं ओवा या फिर आप एग्स बोल सकते हो। जो ये एग्स हैं इनकी मैच्योरिटी होती है, मेंसुरेशन जो साइकिल होगा 28 डेज बाद में ये एग बाहर निकल करके यूट्रस में आते हैं फिलोपियन ट्यूब से। तो उनको मैच्योर करने का, उनको कंट्रोल करने का जो वर्क है वो किसका रहेगा? FSH का रहेगा। इसी में जो सेकेंड टाइप हमें डिस्कस करना है वो रहेगा LH, ल्यूटेंजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। ये भी डबल तरह के फंक्शन करेगा, मेल में भी और फीमेल्स में भी। तो फीमेल्स पहले मेल की बात करें तो मेल में ये किस तरह का वर्क करता है?
मेल की प्रॉपर्टी जो है वो एक हार्मोन होता है जिस वजह से हमें सेक्रेट होते हैं, उसकी वजह से हमें पता चलता है, जिसकी वजह से दाढ़ी मूछे वगैरह आती है, वॉइस जो है वो थोड़ी लाउडर रहती है। तो मेल हार्मोन यानी जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है जो टेस्टिस ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, बट वो कंट्रोल कहां से होगा? ल्यूटेनजिंग हार्मोन से। ल्यूटेनजिंग हार्मोन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये फीमेल मेल में वर्क रहेगा। अब हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर आप बोल सकते हो ओस्ट्रोजन। ओस्ट्रोजन जो हार्मोन है यानी जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब हार्मोन LH यानी ल्यूटेनजिंग हार्मोन से कंट्रोल होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। उसके बाद में फिफ्थ टाइप जो रहेगा इसमें उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर जो गैनेडोट्रोफिक हार्मोन हमने डिस्कस किया, इसके टू टाइप्स को डिस्कस किया, FSH एंड LH, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन किस तरह से वर्क करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो रहेगा PRL, PRL जो है वो रहेगा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहेगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है प्रोलैक्टिन। अब ये वर्ड इसमें यूज किया गया है इससे आप समझ सकते हो ये क्या कहेगा। लैक्टिन जो वर्ड है वो लैक्टिक एसिड से लिया गया है। लैक्टिक एसिड का मतलब होता है जो मिल्क में प्रेजेंट है। मिल्क में लैक्टिक एसिड है तो इस ग्लैंड से जो सेक्रेट किया गया हार्मोन है ये मैमरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फीमेल्स में। फीमेल में जो मैमरी ग्लैंड्स हैं जहां से दूध निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी PRL इसकी शॉर्ट फॉर्म रहेगी, ये हार्मोन लैक्टिक एसिड की वजह से यानी लैक्टिक एसिड की वजह से इसका ये नाम दिया गया है, जिससे ये मैमरी ग्लैंड्स को यानी मिल्क का जो प्रोडक्शन रहेगा उसको कंट्रोल करता है। इसमें भी टू टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट जो रहेगा एक तो रहेगा इसमें ADH और एक जो इसका हर टाइप जो रहेगा दैट इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड ADH टू टाइप्स के इसमें हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या हो रहेगा, ये जो ह्यूमन बॉडी में डिलीवरी के टाइम जो स्मूथ मसल्स हैं उन स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन का वर्क करेगा यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, उनको सिकुड़ना जो होता है वो यहां पर कंप्लीट होगा, ये मसल्स थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। उसके बाद में यहां हमने डिस्कस किया कि मिल्क प्रोड्यूस करेगा, ये क्या बताता है, लैक्टेशन पीरियड को कंट्रोल करता है, यानी जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने टाइम तक होगा, एक महीना, दो महीना, पांच महीना, दस महीने या एक साल, दो साल, कितने टाइम तक वो दूध उत्पन्न होएगा उसको भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन कंट्रोल करता है। जो ADHD है, ADH जो हार्मोन रहेगा इसको बोलते हैं ADH जो है यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है, यूरेटिक जो वर्ड है वो कहां से आया, यूरिया से। यूरिया ह्यूमन बॉडी में कहां कौन इकट्ठा करेगा, किडनी, यानी जो किडनी से संबंधित है, और किडनी को क्या चाहिए, वाटर। यदि पानी जितना ज्यादा होगा ब्लड का प्योरिफिकेशन उतना ही ज्यादा होगा,
तो ADH का फंक्शन क्या रहेगा? What is the function of ADH? It regulate water level. वॉटर लेवल जो रहेगा ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है. कौन? ADH. ADH जो है वो उसको कंट्रोल करेगा. तो ये थे हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया. क्विक रिवीजन बनता है यहां पे. एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है इतने सारे हार्मोन सेक्रेट कर रही है. ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर दूसरे जो ग्लैंड्स हैं थायराइड ग्लैंड है पैराथायराइड है एड्रेनल है टेस्टिस है ओवेरीज है सिर्फ एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड को छोड़ करके बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का वर्क करता है. सबसे पहला जो हार्मोन इसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का डिस्कस किया वो था HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. सेकेंड जो हमने डिस्कस किया TCH जो रहेगा TCH में हमने डिस्कस किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है. उसके बाद में थर्ड जो डिस्कस किया था हमने दैट इज ACTH जो एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है. फोर्थ जो है गैनेडो के बारे में हमने डिस्कस किया जिसके टू टाइप्स FSH और LH फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेंजिंग हार्मोन के बारे में हमने डिस्कस किया. उसके बाद नेक्स्ट हमने PRL को डिस्कस किया. PRL जो है वो प्रोलैक्टिन यानी लैक्टिक एसिड से जो संबंधित है. इसके टू टाइप्स हैं ऑक्सीटोसिन एंड ADH. ऑक्सीटोसिन जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रेक्शन का वर्क करता है बर्थ के टाइम. जब बच्चे का जन्म होता है तो उन मसल्स को थोड़ा सा स्मूथनेस उसका कम करेगा वो. और एक साथ में लैक्टेशन जो पीरियड है मिल्क कितने टाइम तक प्रोड्यूस होगा उसको कंट्रोल करता है. उसके बाद में ADH को डिस्कस किया हमने. एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन जो है वो. उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो हम डिस्कस करेंगे. जो थर्ड जो ग्लैंड रहेगी अपनी पीनियल ग्लैंड को डिस्कस कर लेते हैं हम. उसके बाद पीनियल जो ग्लैंड है पी सेप्ड इसका जो नेम है ना पीनियल पी सेप्ड यानी मटर के दाने के आकार की ये होती है पीनियल ग्लैंड जो है ये भी हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट है. इसके लोकेशन ब्रेन में रहेगी. मटर के दाने के आकार की होती है ये पीनियल जो ग्लैंड रहेगी. ये जो हार्मोन सेक्रेट करती है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से एक तो जो फीमेल है फीमेल की जो स्किन रहेगी वो स्किन स्मूथ होती है. इसकी वजह से फीमेल में इसका सेक्रेशन ज्यादा होगा मेलाटोनिन का जिस वजह से उनकी जो स्किन है वो स्मूथ रहती है एज कंपेयर टू मेल. सेकेंड जो रहेगा वो इसका फंक्शन है स्लीप कंट्रोल यानी हमारी जो निद्रा है उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है. ये कंट्रोल भी करेगा साथ में ये भी बताएगा कि कब हमें नींद आएगी कितना हमें सोना है कितना हमें सोना चाहिए इन सब बातों के बारे में. तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में मानव अंतःस्रावी तंत्र जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड को हमने डिस्कस कर लिया है. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड पैराथायराइड एड्रेनल टेस्टिस एंड ओवेरीज ग्लैंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.